मानव शरीर अपने आप में रहस्य है। जितने भी संसार के अंदर रोग होते हैं, उतनी ही मानव शरीर के अंदर इन रोगों से लड़ने की अक्षमता होती है। आने वाले रोग भी, पीछे जो चले गए वो भी, पिछली पीढ़ियों में भी, पिछले युगों में भी, आने वाले समय के भी, सबके सब रोग कितना भी भारी कुछ भी क्यों ना हो, इस शरीर के अंदर इस प्रकार से इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर इतने सेल होते हैं कि वो प्रभाव करना शुरू कर देते हैं, अपना बचाव करना शुरू कर देते हैं, शरीर की रक्षा करना शुरू कर देते हैं। प्रकृति ने हमें इस रहस्य में शरीर इतना कि आज तक जितने भी वैज्ञानिक हैं सबने अपने अपने स्तर के ऊपर इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर खोज की, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक ये पूर्ण तरीके से ये नहीं कह पाया कि मैंने पूरी की पूरी खोज रिसर्च कर ली। क्योंकि आज हम देख रहे हैं बहुत से रोग ऐसे जो शरीर के ऊपर आक्रमण करते हैं, प्रभाव करते हैं और मृत्यु तक ले करके जाते हैं। पिछले जमाने में 100-200 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले एक पल भी नहीं लगता था, शरीर चला जाता था। आज वो रोग आते हैं, चले जाते हैं, शरीर के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि शरीर ने अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर लिया, इम्यूनिटी सिस्टम इतना मजबूत कर लिया, अपना सुरक्षा चक्र इतना मजबूत कर लिया, अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लिया कि उनका प्रभाव होना ही बंद हो गया। ये होता कैसे? ये शरीर प्रकृति के साथ डायरेक्ट अटैच, सीधा जुड़ा हुआ है। और ये मात्र प्रकृति के साथ सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, ये परमात्मा के साथ भी सीधा कनेक्ट है। इसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं काम करती हैं। एक ऊर्जा जो हमें प्रकृति से मिलती है, यानी भोजन के द्वारा, सूर्य के द्वारा, जल के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार जो आप देख रहे, पेड़ पौधे, वृक्ष, मिट्टी, आकाश, जो भी आप देख रहे, ये सब प्रकृति है। ये ऊर्जा प्रकृति के द्वारा हमें मिलती है, भोजन के रूप में, सांस के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में, इम्यूनिटी के रूप में, किसी भी रूप में हमें ये प्राप्त होती है। दूसरी प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो हमें डायरेक्ट मिलती है। वो कैसे मिलती है? वो हमें ध्यान से मिलती है, योग से मिलती है, इस शरीर को साधने से मिलती है, नाड़ी शोधन से मिलती है, और आंतरिक जो चीजें हैं, जो जुड़ाव है, नाम का सुमरण वगैरह, उससे वो एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो ये जब दो ऊर्जाएं एक साथ तालमेल बना करके कार्य करती है, तो हमारा शरीर हजारों लाखों गुना मजबूत हो जाता है। इतना मजबूत हो जाता है शरीर कि साधारण से रोग तो आसपास भी नहीं पटकते। पीछे एक मैं पढ़ रहा था कि माता पिता, उनको HIV हो गई और बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर शोध किया कि ऐसा कैसे हो गया। पता चला उनके खून में इतनी पावर है, इतनी इम्यूनिटी है कि उसके खून को निकाल करके उसके ऊपर जांच की गई। दूसरे जो
पेशेंट थे उनके ऊपर उसका प्रयोग किया गया। जब उनके ऊपर उनका प्रयोग किया गया तो रिजल्ट वो आया जो आपने सोचा भी नहीं कि उनके अंदर से भी वो HIV के वायरस भागने लगे, वहां से भी समाप्त होने लगे। कितनी पावरफुल बात है ये, कहां से आई इतनी मजबूत पावर, कैसे होता है ये प्रकृति है, ये इतनी भिन्नताओं से भरी हुई है, इसके अंदर इतने आश्चर्य छुपे हुए हैं, इसके अंदर इतना रहस्य भरा हुआ है कि ना हम सोच पा रहे, न साइंस सोच पा रहा, न डॉक्टर सोच पा रहे, और जितना सोचते हैं उतना कम रह जाता। तो जब आप ये तालमेल बनाओगे, आपकी शारीरिक अक्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हद क्रॉस कर देगी किसी भी प्रकार से। जिस प्रकार से दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, एक गोल्ड मेडल लेकर के आता पूरे विश्व के अंदर ताकतवर, और एक साधारण सा, उसने क्या किया उसने क्या नहीं किया आप समय देखिए कि क्या हुआ, क्या कारण रहा। ये बस इम्यूनिटी का ही कारण होता है। शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि रोगों के जो वायरस होते हैं इसके ऊपर, शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं कर पाते। पीछे भी बहुत से रोग आए, पूरा ब्रह्मांड में तराई तराई मची हुई थी, बहुत से लोग योगी ऐसे जिनके ये आस पास भी नजर नहीं आया कि जो जहां खड़े हुए वो योगी वहां से वो चीजें छिटकने लगी, भागने लगी। क्या रहस्य है, क्या कारण रहा? हिमालय के अंदर नहीं पहुंचाइए, बहुत सी ऐसी जगह है जहां नहीं पहुंचाइए, क्या कारण रहा? ये इम्यूनिटी का जो पावर है, जो प्रकृति शरीर और इस आत्मा का तालमेल है, तो वो जब तालमेल हो जाएगा, शरीर के अंदर इतनी मजबूती आ जाएगी कि रोग कितना भी भयंकर से भयंकर क्यों ना हो, आपको वो तोड़ नहीं पाएगा, प्रभावित नहीं कर पाएगा।